जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफे पर बड़ा ऐलान, कहा दो दिन बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। अगले दो से तीन दिन में होगी विधायक दल की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम के रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे, सौरभ भारद्वाज का नाम भी चर्चा में। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले का किया समर्थन, ट्वीट कर लिखा अरविंद जी की सोच को सलाम, ईमानदार और जनहितैषी सोच वाला नेता ही ऐसा कर सकता है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर हमला, बोले केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, कोर्ट ने इन्हें सीएम पद से हटा दिया है, कार्ड खेलने के माहिर रहे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का पलटवार, बोली राजनीतिक ढोंग रचा रहे हैं केजरीवाल, वो शराब घोटाले के किंग पिन है, इस्तीफा ही देना है तो दो दिन का इंतजार क्यों। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछा दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज, भगत सिंह की तुलना को बताया गलत, भ्रम और झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री आतिशी का बीजेपी के आरोपों पर पलटवार, कहा हजारों छापे मारे गए लेकिन भ्रष्टाचार का सबूत पेश नहीं कर पाए, चुनाव से डरती है बीजेपी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देने के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे केजरीवाल, जनता उन्हें ईमानदार मानती है तो फिर सीएम बनाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को खत्म करने और खरीद फरोख के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था, बीजेपी इसमें विफल रही, हम जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल के फैसले पर समाज सेवक अन्ना हजारे ने कहा मैंने केजरीवाल को बार बार समझाया था कि राजनीति से दूर रहो, राजनीति में मत जाओ। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को लेकर कहा उनके इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हरियाणा में कांग्रेस जीत रही। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले का दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने स्वागत किया, कहा चार महीने पहले देना चाहिए था रिजाइन, दिल्ली का इससे भला होगा। हरियाणा बीजेपी नेता ओशेक तंवर ने कहा है शराब घोटाले के नाम आने के दो साल बाद केजरीवाल की नैतिकता जागी, जनता ने तो उन्हें पहले ही सरकार से हटाने का निर्णय ले लिया। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बताया राजनीतिक नाटक, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि वो सीएम बनने रहने के लायक नहीं। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा अरविंद केजरीवाल ने लिया साहसिक फैसला, बीजेपी को आईना दिखाया। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका, बोले वरिष्ठता के आधार पर पेश करूंगा अपना दावा, अगर पार्टी मुझे सीएम बनाती है तो मैं प्रदेश की तकदीर बदल दूंगा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम फेस पर बड़ा बयान, बोले हरियाणा में नायब सैनी ही बीजेपी के सीएम उम्मीदवार, अनिल विज ने सीएम पद के लिए ठोकी है दावेदारी। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा अनिल विज हरियाणा बीजेपी के अनुभवी नेता, उन्हें तो पहले ही बनना चाहिए था सीएम, लेकिन इस बार बीजेपी 5 से 7 सीट पर ही निपट जाएगी। राहुल के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति धनखड़, बोले ये राहुल गांधी की संविधान विरोधी मानसिकता दिखाता है। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर विवादित बयान, कहा राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए।